अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको मिलेगा एक बहुत इजी और बहुत ही सिंपल वे टू अप्लाई आईलाइनर। तो आज की वीडियो जो है स्पेशली टीनेजर गर्ल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला आईलाइनर नहीं अप्लाई करना होता। आज की जो आईलाइनर टिप है वो इतनी ज़्यादा इजी है कि हर कोई लगा सकता है और बहुत इजीली अप्लाई कर सकता है। बस कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अपने माइंड में रखनी होंगी। और चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बिना। तो चलें जी पहले ये देख लेते हैं कि इस तरह का आईलाइनर हम किन किन चीज़ों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास स्टार्ट का आईलाइनर है, ये मार्कर आईलाइनर है, आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आज जो है ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी, सेफोरा का ये वाला ब्रश है, और आज मैं इंग्लॉट का जेल आईलाइनर यूज़ करने जा रही हूँ। तो अब मैं आपको वो टू पोजिशंस बता देती हूँ जिनमें आपने अपने आईलाइनर को या आई ब्रश को बिल्कुल नहीं रखना। ये वाली पोजीशन जो है इस तरह से अपने आपने आईलाइनर को लटा के रखना है या आई ब्रश को लटा के रखना है। अब नंबर वन पे आपने अपनी अपर आईलैश के साथ साथ बिल्कुल आईलाइनर को आराम से अप्लाई करते जाना है, चाहे ब्रश से कर लें चाहे आईलाइनर से कर लें। और उसके बाद जो नीचे वाली लोअर लैश लाइन होती है, लोअर लैश के साथ आपने इमेजिन करना है कि अगर आप इधर से ड्रॉ करेंगे तो आप कहाँ तक करते लेके जाएंगे। उस पॉइंट पे आपने एक डॉट लगा लेना है और दूसरा इन दोनों को जॉइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए आपने एक डॉट वहाँ पे लगा लेना है। अब आपने इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। और ये था आईलाइनर टेक्निक। इस टेक्निक से आप बहुत इजीली आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अब इसको अपने सारे आईलाइनर को नीट कर लेना है, सारे जॉइंट्स को अच्छी तरह से फिल कर लेना है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट का आईलैश मस्कारा, तो ये बहुत अच्छा मस्कारा है। और ये था हमारा आज का आईलाइनर ट्यूटोरियल, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जनाब ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा। चलें जी फिर अल्लाह हाफिज़।